हरिद्वार में 12, 14 और 27 अप्रैल को होने वाले स्नानों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कुंभ ड्यूटी में तैनात करीब 10,000 जवानों को मेला शांतिपूर्वक संपन्न कराने की शपथ दिलाई। उन्हें ये भी संकल्प दिलाया गया कि वे कोरोना गाइडलाइंस का भी हर हाल में पालन करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। उन्होंने हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मा कुंड पर गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक भी किया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आने वाले शाही स्नान सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। महाकुंभ 2021 है, उसके सबसे प्रमुख दिवस हैं 14 अप्रैल, उससे पहले 12 अप्रैल भी बड़ा दिन है जिस दिन सोमवती अमावस्या है। तो ये हमारे लिए इस महाकुंभ की सबसे बड़ी चुनौती भरे दिन है और उसी के लिए अभी तक के जितने स्नान थे हमने उनको इन दिनों की रिहर्सल माना है। मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक वो हमारी ओर से रिहर्सल के तौर पर देखा गया। अब हमारी बड़ी तैयारी है, उसी के लिए आज हमने अपने 10,000 के करीब पुलिस बल को शपथ दिलाई है गंगा जी के किनारे हर की पैड़ी पर कि वो इस महाकुंभ को शांतिपूर्वक सफल कराएंगे, निष्ठापूर्वक सफल कराएंगे और आने वाले तीर्थयात्रियों से पूरी तरह से सद्भाव से व्यवहार करेंगे और जहां तक और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी करेंगे।